कल हम कर रहे थे रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, तो आज भी हम क्या करेंगे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स को। तो रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स में हम लोगों ने तीन तरीके के रिलेशन को पढ़ लिए थे, आज फोर्थ रिलेशन है। तो उसका मीनिंग क्या है फोर्थ रिलेशन का, कि डेल्टा को लिख सकते हैं बैकवर्ड ऑफ डेल्टा ई इनवर्स, सॉरी बैकवर्ड को लिखते हैं डेल्टा ई। बैकवर्ड इज इक्वल्स डेल्टा ई इनवर्स, ये लिखा हुआ है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे आपको पता है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इधर भी एक फंक्शन एफ एक्स लेना है और इधर भी एक फंक्शन एफ एक्स लेना है। तो इधर जब एफ एक्स लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और यहाँ पे ये फॉरवर्ड, और जब ये e की पावर इसके साथ ऑपरेट होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, है ना। अब ध्यान से समझो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और डेल का मतलब क्या हो जाएगा, एक आगे वाली वैल्यू माइनस अभी वाली वैल्यू, दोनों कट के ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, दोनों इक्वल प्रूव हो गए, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये एक प्रॉपर्टी है आपकी, हेंस प्रूव्ड हो गया, ये एक प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, बैकवर्ड इज इक्वलेंट टू डेल ई इनवर्स, अच्छा ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बैकवर्ड इज इक्वलेंट टू आई माइनस ई इनवर्स, बैकवर्ड इज इक्वलेंट टू आई माइनस ई इनवर्स, इसको देखेंगे। तो इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, बैकवर्ड के साथ में एफ ऑफ एक्स ले लिया इक्वल्स आई माइनस ई इनवर्स के साथ में एफ ऑफ एक्स ले लिया, तो बैकवर्ड के साथ में एफ ऑफ एक्स क्या है, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आई एफ एक्स माइनस e की पावर माइनस वन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और इक्वल्स आई एफ एक्स का मतलब एफ एक्स होता है, e की पावर माइनस का मतलब होता है एक्स माइनस एच, दोनों वापस से इक्वल प्रूफ हो गए, दैट मीन हैंस प्रूव्ड है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई भी समस्या है परेशानी है तो पूछ लो। है क्या किसी को कोई भी डाउट, नहीं है तो फिर नोट कर लो उसको, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नोट कर लीजिए इस बात को, और नोट कर लो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पे चलेंगे। कल्याण हो ये नहीं किया
नोट कर लिया है या नहीं किया ये बताओ, यस और नो। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी सिक्स, डेल माइनस बैकवर्ड इज इक्वलेंट टू फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बैकवर्ड। डेल माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बाय बैकवर्ड, ये प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। इधर भी हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स ले लिया और इधर भी हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स ले लिया, तो यहाँ जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा दोनों पे अलग अलग। और यहाँ का मीनिंग है कि जो प्रायोरिटी पे फर्स्ट है उस पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो डेल एफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब होता है प्रेजेंट और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्रीवियस। इधर बैकवर्ड का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट माइनस प्रीवियस। डेल को अंदर डालेंगे तो ये डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और सॉल्व किया तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और मतलब एक आगे वाली वैल्यू, और इसको भी देखेंगे तो एक आगे वाली वैल्यू माइनस माइनस प्लस अभी वाली वैल्यू, और इसको देखो ये क्या लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस, सारी वैल्यू सेम आ रही है, ये कट के एफ ऑफ एक्स हो गया, पूरी वैल्यू सेम आ रही है, प्रूफ हो गया मतलब कि ये वैल्यू इक्वल है, हेंस प्रूव्ड है, प्रूफ हो गया है कि ये इक्वल है, हेंस प्रूव्ड है, नोट कर लो इसको। अभी इसमें अगर किसी को कोई डाउट है या कोई परेशानी है, कोई समस्या है जो नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे से अभी क्लियर कर लो, आपको अगर कोई भी डाउट है। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले वो क्लियर कर लो कि भाई हमें ये वाला डाउट है, और अगर कोई डाउट नहीं है तो इसको नोट कर लो, तो फिर हम आगे बढ़े। तो आप मेरे को बताओ आपकी वाली बात आपके साइड से क्लियर है क्या। नोट कर लिया, आगे देखो ध्यान से। छह रूल तो बता ही दिए, छह रिलेशंस हो गए हैं ऑपरेटर्स के बीच में। अब मेन जो टॉपिक है हमारा, जो मैं बार-बार क्लासेस में वर्ड यूज कर रहा हूं, डिफरेंस टेबल, वो हमारे पास आज स्टार्ट हो रहा है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो टेबल बनाना मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर एक टेबल बनाना नहीं आई तो मैंने जैसा कि हर क्लास में बोला है कि अगर ये नहीं आया तो इससे रिलेटेड आगे वाली क्लासेस आपको समझ में नहीं आएगी, और अगर ये समझ में आ गया
तो आगे आने वाली 5-7 क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाने वाली है। मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड हम लोग काम करेंगे वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उन सब चीजों का बेस है, ये डिफरेंस टेबल जब हम बनाएंगे। तो इसीलिए इस डिफरेंस टेबल को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि डिफरेंस टेबल क्या है, कैसे वर्क कर रही है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो ये आपका क्या दे देगी, अभी सही रिजल्ट दे देगी। तो बहुत ध्यान समझेंगे, डिफरेंस टेबल बनानी है मुझे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा जो नया टॉपिक है। दो तरीके के डिफरेंस टेबल होती है, एक होती है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और एक होती है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो अभी हम देख रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए आपको कुछ डेटा दिया जाएगा, जैसे यहां दिया गया है एक्स और एफ एक्स। आप इस एफ एक्स को वाई भी बोल सकते हैं और वाई ऑफ एन भी बोल सकते हैं। 0, 10, 2, 15, 4, 11, 6, 8, 9, sorry, either 8 or either 9, either 10 or either 20। बस अब मुझे टेबल बनाना। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। डिफरेंस टेबल बनाने के लिए सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हेडिंग के लिए हमने लगा दिया है। हेडिंग क्या क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी भैया सबसे पहले एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स, फिर डेल एफ ऑफ एक्स क्योंकि फॉरवर्ड है, फिर फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, फिर फॉरवर्ड क्यूब एफ ऑफ एक्स, फिर फॉरवर्ड 4 f(x), फिर फॉरवर्ड 5 f(x) और इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। सवाल ये आता है कि कब तक चलेगा डेल, फिर डेल स्क्वायर, फिर डेल क्यूब पावर 4, 5, कब तक चलेगा, 6, 7, 8, 9, 10 कब तक जाएगा? तो ये डिपेंड करेगा आपके डेटा पर। आपका डेटा क्या है, हम डेटा को सॉल्व करते चले जाएंगे और जब तक डेटा की वैल्यू मतलब एक नहीं आ जाती हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एक का मीनिंग क्या है उस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये देखो अपन ने इसको सेपरेट कर लिया, फिर अपन ने वैल्यूज लिख दी। एक्स की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 और 10, एफ एक्स की वैल्यू 10, 15, 11, 8, 9 और 20। इधर आ जाओ, इसको भी सेपरेट कर। हाँ चरणजीत बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, ये आपने x और fx की वैल्यू कैसे लिए? क्वेश्चन में गिवन होगी, मतलब सर अभी तो आपने रैंडम लिया ना? ये रही ना, ये ऊपर दिया हुआ है ना, ये रहा। नहीं हाँ सर, यही पूछ रहा हूँ मैं, ये जो अभी आपने x और fx की वैल्यू लिए है अभी तो रैंडम लिए ना आपने? क्वेश्चन में देखो, ये एक क्वेश्चन लिया है ऑलरेडी। अच्छा अच्छा ओके सर, तो क्वेश्चन गिवन होगा ऑलरेडी, हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है जो गिवन है। ओके, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है ना सर? क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू हो सकती है ना? क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस ये ध्यान रखना कि जो ऊपर x दे रखा है ना, x, इन x की वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस सब में सेम रहेगा तब ये डिफरेंस टेबल। ओके सर, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, 2 का आ रहा है।
टू का। तो अगर ये इक्वल डिफरेंस रहा तो ये डिफरेंस टेबल सही बनेगी, क्योंकि अगर अनइक्वल रहा तो उसके लिए डिफरेंस टेबल बनाने का तरीका अलग होता है, हम आगे देखेंगे। तो अभी इक्वल डिफरेंस, ओके सर, टेबल, अभी टेबल आगे कैसे बन रही है समझो। अगर आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है तो यार आपको पता होता है फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है। फॉरवर्ड का मीनिंग होता है आगे वाले में वैल्यू में से अभी वाली वैल्यू को माइनस कर दो, यानी डेल एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही होता है। तो डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब यहाँ पे आ जाएगा आगे वाली वैल्यू में से अभी वाली वैल्यू को माइनस कर दो, यहाँ आ जाएगा आगे वाली वैल्यू में से अभी वाली वैल्यू को माइनस कर दो, आगे वाली वैल्यू में से अभी वाली वैल्यू को माइनस कर दो, आगे वाली वैल्यू में से अभी वाली वैल्यू को माइनस कर दो, आगे वाली वैल्यू में से अभी वाली वैल्यू को माइनस कर दो। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो ब्लैंक। ऐसे ही डेल की पावर टू निकालेंगे तो आगे वाली वैल्यू में से माइनस कर दो अभी वाली वैल्यू को, आगे वाली वैल्यू में से माइनस कर दो अभी वाली वैल्यू को, आगे वाली वैल्यू में से माइनस कर दो अभी वाली वैल्यू को, आगे वाली वैल्यू में से माइनस कर दो अभी वाली वैल्यू को, ऐसे एक एक कम हो, आगे वाली वैल्यू में से माइनस कर दो अभी वाली वैल्यू को, आगे वाली वैल्यू में से माइनस कर दो अभी वाली वैल्यू को, आगे वाली वैल्यू में से माइनस कर दो अभी वाली वैल्यू को, ये देखो आगे वाली वैल्यू में से माइनस कर दो अभी वाली वैल्यू को, आगे वाली वैल्यू में से माइनस कर दो अभी वाली वैल्यू को, आगे फिर एक एक कम होता जा रहा है, आगे वाली वैल्यू में से माइनस कर दो अभी वाली वैल्यू को, तो आगे 10। और अब आगे सॉल्व करने के लिए कोई नंबर ही नहीं रहा है, किसको सॉल्व करें, तो इसके लिए ये डेल 5 तक रुक गया। ये हो गई आपकी पूरी डिफरेंस टेबल, इसको बोलेंगे आपके डिफरेंस टेबल, दिस इज योर डिफरेंस टेबल कंप्लीट। गिवन डेटा के लिए ये डिफरेंस टेबल है आपकी। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई दिक्कत है तो क्लियर कर लो। देख लो, समझ लो अच्छे से, कोई भी दिक्कत है तो भी पूछ लो। किसी को कोई भी डाउट है, परेशानी है, समस्या है तो पूछ लो। क्लियर है, वेरी गुड। तो क्लियर है तो इसको नोट भी कर लो।
ये वाली बात नोट कर ली सभी ने? ठीक है चलो आगे देखो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप सॉल्व करो। सेम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ये रहा वो क्वेश्चन, ये रहा एक्स ये रहा वो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो अपनी कॉपी में। अभी इसके फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ, आप क्या रिजल्ट आता है। बनाओ इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इसकी क्या कहेगी वो बना के बताओ फटाफट। और आपका जो रिजल्ट आएगा इसमें रिजल्ट अभी मैच करवा देता हूँ, तो आप एक बार मैच कर लेना। लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसी बनेगी और क्यों बनेगी, कैसी बनेगी और क्यों बनेगी, वो आपको मेन अंडरस्टूड होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ये इसका रिजल्ट आया, नोट कर लो इसको फटाफट, और आपने बनाई ली होगी तो मैच कर लो। अभी भी किसी को डाउट है तो हम वैसे भी देख सकते हैं इसकी टेबल को, और अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। क्लियर है सारी बात, नोट कर लिया आप सभी ने, और वैसे बना भी लिया हुआ आई थिंक सो।
तो इसमें क्या हुआ भाई, देखो आपको पता है ये एफ एक्स की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू देखो सब में डिफरेंस इक्वल है, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और 6 से 7, तो सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1, 1 का आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट निकलेगा वो क्या आएगा, 10 - 3, 13 - 10, 2 - 13, 1 - 2, 20 - 1, 15 - 20, 25 - 15, फिर 3 - 7 - 11 - 3 - 1 - - +11, 19 - -1, -5, -5, -19 और 10 - -5, -19, -14, -4, 10 - -14, 20 - 10, -24, -20, -15, -24, ऐसे ही 24 - -10, 10 - 24 और -44, -10, 39 - -44, फिर -14, -34, -54, -14 और 83 - -54, -40, -48, 137 - -40, 177 और माइनस का 8, सॉरी प्लस का 8, 177 - 8 है ना, यह है। तो इस तरीके से टेबल पूरी बनेगी और जब भी टेबल बनती है तो हमेशा एक एक ब्लॉक हर स्टेप में इसका ब्लैंक होता चला जाएगा, ये देखो हर स्टेप में एक स्टेप इसका क्या होता जाएगा, ब्लैंक होता जाएगा, एक नंबर कम होता चला जाएगा, इस तरीके से ये पूरी टेबल आपकी बनेगी। है देखो यहाँ से जो टेबल जा रही है वो इस तरीके से जा रही है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को बनाती हुई जाएगी। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, अभी भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो कि हमारे को ये वाली चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रही है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी ऐसी बात है आपके मन में तो आप अभी क्लियर करो, नहीं है किसी के मन में कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सारी बात है सभी को। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर दो, आपको नहीं है किसी को कोई भी डाउट, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर बाकी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि है हमारा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अभी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल थी, अब हम लोग देखेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास सीजी की में मिलते हैं। Hey guys, thank you so much. Have a great day.